हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कशीदे का नया स्टिच जिसको बोलते हैं बंगाली स्टिच, इसको सैटिन स्टिच भी बोलते हैं। ये दो तरीके से भरा जाता है, एक फुल और एक हाफ। मतलब जैसे कि हमें फ्लावर बनाना है, किसी का हाफ भर लो और पत्ती बनाना है तो फुल भर लो। और ये ज़्यादातर किसी का मोनोग्राम बनाने में या किसी का नाम बना स्टिच इनिशियल किसी का नाम हाईलाइट करना हो या फिर किसी को कस्टमाइज करना हो तो उसमें ये काम आता है। ये फ्लावर जैसे साड़ी की में बनाना हो, साड़ी की हैंकी है और ये अपने तकियों के कवर हैं, इनमें बहुत यूज होता है। और इसको जब हम जैसे कि एक इसका क्या डोरा ऊपर का नीचे का दोनों का सेम आता है तो इसलिए इसमें ढीला रहे, अगर ढीला रहेगा कपड़ा तो इसमें कपड़ा सिकुड़ जाएगा, कपड़ा सिकुड़ेगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी फ्लावर में। और तो इसलिए इस फ्लावर को मैंने देखो ड्रॉ किया और उसको फ्रेम में अच्छे से फिक्स किया कपड़े को। इसे अच्छे से फिक्स करेंगे तो इसमें ढीला नहीं पड़ेगा और ढीला नहीं पड़ेगा तो कशीदे में सफाई आएगी। अब जैसे कि मैं आपको पहले हाफ वाला बताऊंगी, जैसे कि ये फ्लावर है हमारा, यहां से लिया एक, अगर आपसे नहीं बने तो लाइन खींच सकते आप ऐसे यूं करके, ऐसे ऐसे करके आप एक लाइन खींच सकते हैं। तो इतना ही लेना है आपको इसकी लाइन के अंदर, यहां से इसको हाफ सैटिन स्टिच बोलते हैं या बंगाली स्टिच। ये मैं फ्लावर ऐसे इसमें कंप्लीट करूंगी रेड से, पत्तियों में मैं फूल करूंगी जब मैं आपको उसमें फूल बताऊंगी, अभी मैं इसमें हाफ करूं। देखो हमारे ऐसे इसको गोलाई में लेना तो ऐसे लेंगे। देखो अब मैं इसमें भरवा जो सेटिन स्टिच का फुल पत्ती के अंदर भरते हैं वैसा बताते हैं आपको। ये मैं हाफ बताया आपको ऊपर, ये बंगाली स्टिच का हाफ और ये फुल। फुल में क्या करना है आपको, टेढ़ा लेना है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा लेना है, जैसे कि ये लिया ऐसे। ज़्यादातर ये पत्तियों में ही होता है, फ्लावर में भी करते हैं लेकिन जैसे बड़े फ्लावर होते हैं उसको हाफ करते हैं और छोटा फ्लावर होता है फुल करते हैं। पास पास लेना जिससे कि बीच में गैप नहीं आए और नीचे से रुमाल नहीं दिखाई दे, जो भी एम्ब्रॉयडरी पे कर रहे हैं हम वो चीज कपड़ा नहीं दिखाई दे। देखो ये हमने रेड किया हाफ सैटिन स्टिच से, ये भी हाफ, बीच में भी हमने सैटिन स्टिच किया छोटा, तो इसको हमने फुल किया भरवा। और ये हमने डाली नॉट, इसको फ्रेंच नॉट बोलते हैं। ये रनिंग स्टिच डाला और ये फुल सैटिन स्टिच, तो ऐसे फ्लावर सुंदर लगता है जब बन जाता है। जिसमें दो आप ध्यान रखें, इसमें दो स्टिच बंगाली के दोनों स्टिच यूज हुए, हाफ भी और फुल भी। मैंने अपना फ्रेंच नॉट वाला स्टिच और रनिंग स्टिच वाला दूसरी वीडियो में डाल दिया है तो आप देख सकते हैं उसको।